हेलो दोस्तों, मैं हूं विकुन। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा हिंदी टेक यूट्यूब चैनल टॉक टेक्नोलाइन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि वीडियो को देखने के लिए आए हैं कि जो व्हाट्सएप है वो अब आपका फ़ोन में नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में ही हम बात करेंगे कि ये जो व्हाट्सएप है वो अब फ़ोन में क्यों नहीं चलेगा, और इसके चलने के पीछे कोई राज है या कोई भी इस तरह की जो है टेक्निकल इशू हुआ है कि जो इस फ़ोन में अब नहीं चलेगा। तो दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा जो व्हाट्सएप के नया अपडेट आया है कि वो फ़ोन में नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चलेगा, इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो वीडियो को आपको कोई भी समझ में नहीं आएगी, तो आप जो है नहीं जान सकते कि आपका फ़ोन में ऐसा क्या है जिसमें आपका जो व्हाट्सएप है वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, और एक बात कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल के लिए बहुत ही ज़रूरत है, जो कि मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए मदद कर सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सके, मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों, इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में हमेशा बनाए रहना, और आपका जो प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे चैनल के ऊपर बनाए रखना। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो 2020 है वो अब ख़त्म होने वाली है, कि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये जो व्हाट्सएप का पहले से ही जो प्राइवेसी टर्म एंड पॉलिसी है वो पर इवन जो है ईयर में, और ये जो कैलेंडर ईयर है उसमें वो चेंज होता है। तो इसी टाइप का आज बेस करके इस वीडियो में बताऊंगा कि जो व्हाट्सएप का जो नया ये जो टर्म्स एंड सर्विस है जो कैलेंडर ईयर में, वो इसी फ़ोन में नहीं चलता है, कि कौन से फ़ोन में नहीं चलता है और क्यों नहीं चलता है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहना ये वीडियो देखने के लिए, और बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे कि यह जो व्हाट्सएप है वो आपके फ़ोन में चलता है या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को फिर से लास्ट देखना और हमारे साथ बने रहना। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये जो व्हाट्सएप है वो आज आपका फ़ोन में अब नहीं चलेगा। तो ये आपका फ़ोन में क्यों नहीं चलेगा और कौन कौन से फ़ोन में भी नहीं चलेगा और इसके पीछे जो फैक्ट है वो क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो दोस्तों, आपने जानते होंगे और कुछ दिन बाद ये जो 2020 है वो चला जाएगा। तो व्हाट्सएप का जो टर्म्स एंड सर्विस है वो है कि जो कैलेंडर ईयर है इसमें जब ये ख़त्म होता है, तो जो व्हाट्सएप का नया जो ये जो टर्म एंड सर्विस है वो रोल आउट हो जाता है। कि तो दोस्तों, जैसे कि पहले जो कैलेंडर ईयर पड़ा था 2016, जिसमें व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड फ़ोन और iOS यानी कि जो है आईफोन, इसमें जो है रोल आउट बंद कर दिया था, जो कि iOS से है जो 800 वर्सन अगर उसमें उसका था, और पहले जो सॉफ्टवेयर था और एंड्रॉयड में जो था 2.3.7 वो वाली, और उसके जो नीचे वाले जो सॉफ्टवेयर थे अगर आप उसमें अपडेट नहीं हुए तो व्हाट्सएप ने चलना बंद कर दिया था उस फ़ोन में। तो दोस्तों, अब जो जब 2020 अब ख़त्म होने वाले है, तो iOS और ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो अब दो जो है वो सॉफ्टवेयर धर लेके हैं कि अगर आप इसी सॉफ्टवेयर का आपका फ़ोन में अपडेट नहीं किया है तो आपका फ़ोन में जो व्हाट्सएप है वो नहीं चलेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो iOS में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो 9 और इसके नीचे जो सॉफ्टवेयर है आपका नहीं चलेगा। अगर आपका जो एप्पल आईफोन है इसमें अगर आपका जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर अपडेट है जो जो iOS 9 और उसके ऊपर, इसमें आपको जो व्हाट्सएप वो देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका इसका अंडर में जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें आपको नहीं चलेगा। तो इसका अंडर में जो सॉफ्टवेयर आता है इसमें कौन से फ़ोन आता है, अगर आपका पास से जो एप्पल 4 है या आपका एप्पल 4S या 5 और आईफोन 5S और आईफोन 6 और आईफोन 6S, ये जो सारे मोबाइल है इसमें आपको जो है अब अगर आपका ये आईफोन है तो इसमें आपका व्हाट्सएप जो है वो नहीं चलेगा। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट में आया है कि ये जो iOS 9 और उसके ऊपर, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो है सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपका जो जनरल ऑप्शन आता है, जनरल ऑप्शन में आप जाकर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब अपडेट हुआ था और उसमें ऊपर अपडेट आया है कि नहीं। अगर आया है तो आप जल्दी से अपडेट कर लीजिए, अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आपका जो फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो जैसे कि iOS है और उसी तरह भी एंड्रॉयड भी, ये जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है और 4.0.3 उसका ऊपर में जितना भी सॉफ्टवेयर है इसमें आपको व्हाट्सएप चलने के लिए
मिल जाएगा। तो इसके अंडर में इसका पिछले जितने भी सारे सॉफ्टवेयर थे उसमें भी अब व्हाट्सएप ने जो चलना बंद किया है। तो आप ये जो एंड्रॉयड में कैसे आपका जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपल सी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप ये जो है अबाउट फ़ोन, इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो कब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और कब ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था। अगर आपका जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं आया है तो आप जल्दी से इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपका जो कुछ दिन बचा है इसके अंदर आप करने से आपका व्हाट्सएप का कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपका जो व्हाट्सएप है वो आराम से चल जाएगा। तो अगर आप इसको अपडेट नहीं करते हो तो आपका जो फ़ोन में व्हाट्सएप है वो 2000 एंड के बाद नहीं चलेगा, कि इसमें आपका जो है व्हाट्सएप का जो सर्विस सिस्टम वो बंद कर देगा व्हाट्सएप ने खुद ही खुद। तो दोस्तों, अगर आपका जो आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी फ़ोन है, जो आईफोन का है 9 और उसके ऊपर, उस ऐप जाकर आपका जो सेटिंग में इसको अपडेट कर दीजिए व्हाट्सएप चैनल में। और जो भी एंड्रॉयड यूजर है वो 4.0.3 नया जो सॉफ्टवेयर वर्सन है उसको भी आप जाकर आपका इंस्टॉल कर दीजिए, जो अबाउट फ़ोन में जाकर आपका जो फ़ोन में दिया है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप का जो सेवा है वो आप उपलब्ध नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से जाकर ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है और आईफोन यूजर से वो आपके फ़ोन में ये जो आईफोन है वो 9 ये इसको इंस्टॉल कर दीजिए, और एंड्रॉयड जो है वो 4.0.3 जो वर्जन है इसमें आपको जाकर इंस्टॉल कर दीजिए, जिसके थ्रू आपका व्हाट्सएप का बिना कोई रुकावट के आपकी सेवा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपका जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप कैसे इसको अपडेट करके आपका जो व्हाट्सएप का जो है सर्विस आप बिना रुकावट की आप कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको अपडेट नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आपका व्हाट्सएप को बिना रुकावट के आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ और बता दिया हूँ कि आप कैसे इसको सिस्टम कर सकते अपडेट कर सकते हैं और ये आपके कहाँ पर आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। अगर आप इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।